मुझे जेल हो जाएगा, मेरे पे FIR हो गया। फैन बचा लो प्लीज आप लोग, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे जेल हो जाएगा। आप लोग सोच सकते हो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, देख सकते हो ये भी, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट, ऊपर से मुझे जेल हो जाएगी। मेरे पे FIR करवा दिया है एक लोगों ने, अब कैसे बताऊँ आप लोगों को किसने करवाया है, कैसे, चलिए आप लोग को बता देती हूँ किसने करवाया है। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग, तो आ चुकी हूँ फाइनली आप लोगों के साथ वीडियो में, और जा रही थी खाना बनाने, क्योंकि जब तक हम खाना नहीं बनाएंगे तो हम खाएंगे क्या, आपको पता ही है। इसलिए बोल रही हूँ कि आज तो मैंने खाना ही नहीं बनाई, सच्ची बताऊँ दिल से तो बहुत बुरा हाल है मेरा। चाकू भी मसाला, आज तो मैंने खाना नहीं बनाया, कल चले गए थे शाम को लंगर खाने के लिए, और जो कल मैंने खाना बना रखा था तो फ्रिज में, तो उसी को गर्म कर करके आज खाया। अभी जा रही हूँ, गोभी रखी हुई है इतनी सी, ये गोभी पड़ी हुई थी थोड़ी सी है, उस दिन आधे गोभी को बने, और इसमें देख लीजिए मटर, हरी मटर पड़ी है, आलू शायद है ही नहीं मुझे लग रहा है, ये होता तो दिखता मुझे इधर उधर, आलू ख़त्म है क्योंकि आलू की सब्ज़ी कई दिनों से नहीं बनाई हूँ। तो अभी जा रहे हैं जो भी गोभी मटर की सब्ज़ी बनाने, देखती हूँ अगर आलू आलू मिल मन होगा, अगर मन हो गया तो जाऊँगी लेके आऊँगी, फिर आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी और दाल रखी हुई है, खाएंगे भाई। तभी चलिए ब्लॉग बनी रही है, सब्जी वगैरह करते हैं कट, फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कल मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने बोला आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, क्योंकि पहले में तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट, मेरे जिससे प्यार करते थे फ्रेंड, उन्होंने कमेंट किया था कि आपको ना बेबी गर्ल होगी या बेबी, सभी ने किया था, तो मैंने बाद में रीड करके बताया, तो मैंने बस यही वीडियो बनाई, तो इसलिए एक बहन जी हैं कहने का मतलब, तो उन्होंने मेरे पे कंप्लेन करा दी, कहती तुझे तो मैं जेल करवा दूंगी, तूने ऐसी वीडियो बनाई। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना कि मैंने उस वीडियो में क्या बोला है, मैंने क्या गलत बोला है, क्या गलत कहा है। मैंने तो बस यही बोला ना कि फ्रेंड्स मेरी ये सेकेंड प्रेगनेंसी है, जो मुझसे प्यार करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना कि अभी आपकी मुझे बेटा होगा या बेटी होगी, क्या होगा, आप लोगों को क्या लगता है। मैंने तो यही पूछा था, मैंने तो ये नहीं कहा था उसमें कि हमें ऐसा नहीं, मैंने पता लगा लिया अगर मुझे ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर दूँ, मैंने तो ऐसा तो बोला नहीं था। तो मैं कसम से कह रहे हैं ऐसे लोगों को अगर सामने में इतने झापड़ मारूँ ना, इतने झापड़ मारूँ जो आके ऐसा लिखी है, पहली बात तो कहीं देखना तुम्हें ना हो जाए, ठीक है, मेरे को तो बाद में छोड़ो, कहीं तुम्हें ना हो जाए। तो फिर मैं बता नहीं, मैंने तो रप्रीत भी हंस रहा है देख क्या क्या बोलते हैं ना क्या क्या बोलते हैं रप्रीत, सोचते हैं क्या, सुनते रहते, सोचते हैं क्या कि ये लोग अकेले रहते हैं ना तो इनका कोई भी नहीं है, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, जय बोलो, जय भगवान जी की जय, क्या होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका होता है भगवान, ठीक है। तो पहली बात तो तुम्हें, हम बहन जी तुम्हें मैं एक बात बताऊं कि तुम जाके मेरे में ये कमेंट क्यों, तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हें जेल करवा दूंगी, तो प्लीज जल्दी से पुलिस लेके मेरे घर पे और मुझे जेल करा दो, ठीक है। और किस किस अपराध में जेल करा रही, कि मैंने बस इतना ये पूछा कि मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, तो इसलिए मुझे जेल हो रहा। फ्रेंड्स प्लीज बचा लो जरा मुझे इनसे कसम से, मुझे इतनी हंसी आती है ना, इतनी हंसी आती, अरे प्लीज पापड़ लेके फ्रेंड लोग को पापड़ खिला दे, पापड़ कहाँ है, पापड़ पापड़ ओले। तो फ्रेंड्स पता है इतनी हंसी आती है ना मुझे कभी कभी, कि मतलब क्या दिमाग है, मतलब कैसा दिमाग है ना, है। खैर फ्रेंड देखिए, जैसे कुछ लोग सोचते हैं क्या कि प्रिया का शक्ल ऐसे है और ये कुछ बोलती नहीं है, तो लोग ना इंसान के शक्ल पे और उसके चुप पे चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा शांत शांत माहौल में छोड़ दिया जाए, छोड़ ऐसे कर देते ना, तो लोग सोचते हैं इनके इनके पास कुछ नहीं है, इनके अंदर कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वक्त आने पे, टाइम आने पे सभी को बताया जाता है, आपको पता है जब जब घाव मतलब कि भरता रहता है, जब जो जख्मी घाव हो जाता है ना, उस टाइम जब बोलते नहीं, एक बोलते नहीं कि जब इंसान को दर्द होता तब तो कोई बात नहीं, सहता रहता सहता रहता है, लेकिन जो दर्द को जितना सहोगे ना उतना अंदर से उबाल आती है। तो ठीक है, वही एक चीज़ है, ये लोग सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा बोल दिया, ऐसा कुछ कर दिया उनके साथ बुरा, तो लोग एकदम शांत बैठे हैं फिर कुछ ऐसा, तो गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं है।
जो सांप होता है ना वो एकदम पूरा एकदम आराम से बैठा होता, एक ही बार फन मारता है, तो बिल्कुल सेम हम भी वैसे ही हैं, अभी शांत बैठे हैं, लेकिन फन एक ही बार मारेंगे, है कि नहीं? जो मुझसे प्यार करते हैं वो लोग समझ गए होंगे। तो फन एक बार मारने में बहुत, सांप हमेशा एकदम गबत के ही बैठता है और फन एक ही बार मारता है, वक्त आने पर, चाहे 10 साल बीत जाए, चाहे 5 साल बीत जाए, है कि नहीं? तो वही हाल है। अब क्या बताएं, कैसे समझाएं फैंस आप लोगों को? कुछ लोग इतना जलते हैं ना मुझे, इतना जलते हैं कि मुझे ऐसा आके कमेंट किया कल की वीडियो में, मुझे इतनी हंसी आ रही है ना इस चीज को देख के। क्या क्या क्या, अच्छा क्या, बोल बोल, इस फोन ले क्या? अच्छा ना ना, कोई ना कोई ना, निन नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसा कमेंट आके करते, ये भी नहीं सोचते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं। बच्चों के साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो खैर छोड़िए फैन, इस टॉपिक को हम रखते हैं साइड में। तो मैं अभी घर में फाइनली खाना बना चुकी हूँ। खाना में मैंने बनाया है आलू गोभी मटर की सब्जी और चावल, जो कि अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। बाबू, रप्रीत फीड कर रहा है। बाबू चल तो, गुम्मी गुम्मी जाएगा, गुम्मी आज चल, चल देखा तूने आज घर में खाने क्या बनाया, खाने क्या बनाया, खाने क्या बनाया बता, आली बापली, खाना क्या बनाया, खाना क्या बनाया, बता तूने खाना क्या बनाया। इसका मुहैया देखो, ये देखो इसका मुहैया, ये देखो, बाय कर दे, ऐसा बाय कर दे, बाय कर, इधर इधर मुंह घुमा के बाय कर, इधर फोन के कैमरे में बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बाबू हपो नहीं करेगा? अच्छा दिखा तो, मिठाई नहीं खाएगा? फ्रिज में रखी मिठाई, मिठाई खाएगा ना? चल फिर खाइयो, नींद से दिमाग आफ आफ हो रहा है, लेकिन इसको सोने नहीं दूंगी अभी, क्योंकि अभी खाना बनाया ना, खाना खाएंगे तभी सुलेंगे। चल चल चल, अच्छा रुक, कैमरा खोलते पहले फोन का। आह देखो फ्रेंड्स, हमने ट्राइपॉड में फोन का कैमरा सेट कर रखा है। चल फ्रिज की तरफ चल, चल दिखा, चल दिखा, मिठाई दिखा, मिठाई देखो इसमें सेट कर रखे थे फोन। चल चल अभी देखो फ्रेंड, बाबू चल तो फ्रिज खोल, तो फ्रिज खोल फ्रिज। हाँ अभी ये देखिए फ्रेंड, मैंने बनाया आलू गोभी मटर की सब्जी, जो कि बन चुकी है बढ़िया मस्त और लवली। पहुंच गए फिश के पास, ए देखो जी, देखो आप लोग देखो इसको, ये देखो, खोलो फ्रिज, क्या चाहिए बताओ जी? हाँ जी क्या चाहिए? ओ उसमें मीठा चावल रखा हुआ है, मीठा चावल है उसमें, ले ले जो तुझे चाहिए तू वो ले ले, सब तो मम्मा तेरे लिए लाती, दिल का टुकड़ा। हाँ ले 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 ले, चॉकलेट बिस्किट ले, क्या निकल यहाँ से? अरे बाप रे, पहले फेंकेगा जाके कूड़े को, ये देखो कितना समझदार है मेरा लड्डू गोपाल। फ्रिज पहले बंद कर दो, फ्रिज बंद कर बेटू, यस वेरी गुड, ले बिस्किट ले। आइए फ्रेंड्स आप लोग भी मुंह मीठा करिए, ले। कितना सोचता है ये, आंख बंद करके बिस्किट निकाल रहा है, बड़ा से ले ले यार बेटी। चल मैं भी खा ही लेती हूँ, मैं मस्त कुड़ी तू भी मस्त मस्त मुंडा है। तू नहीं खाया? इसको सपने आते हैं, देख लीजिए फिर, तुझे सपने आते हैं क्या? तो सपना देखते हैं, मुझे पता है। कोई आया होगा, आए तो आज इधर, गेहूं कट रहा ना फ्रेंड, इसीलिए लोग खेत में आते हैं। देख
बहुत तेज है फ्रेंड, बहुत तेज है। रख दे फ्रिज में, अब फ्रिज में रख, चल फ्रिज में रख। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो फाइनली मॉर्निंग हो चुकी है और काफ़ी मेरा चेहरा ना स्वेलिंग स्वेलिंग सूझा लग रहा है। ये इस कारण हुआ क्योंकि मैंने फ्रिज का ना पानी भी पी लिया और दाल रखी थी फ्रिज में, मैंने वो भी खा लिया। और फिर वो मैंगो वाला नहीं होता फ्रूटी, वो थोड़ा मतलब बर्फ सा बना, सोचा खा लूँ इससे की वजह से। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ अभी क्योंकि पूरा मेरा ना वो हो रखा है, कहने का मतलब जुकाम की वजह से। अभी मॉर्निंग जस्ट अभी मुँह धो के आई हूँ, किचन कुचन साफ़ किया लेकिन बर्तन नहीं मानते, सब ऐसे रखा है। अभी अरे बर्तन बर्तन मानने में बहुत आँखों में दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल नहीं जा पाती हूँ। 9:30 बजी है, कल जाऊँगी क्या करूँगी, आज नहीं जाऊंगी कल जाऊंगी, देखती हूँ। बहुत ही अजीब मौसम होने लगा, धूप धूप होता है ऐसा, बहुत बुरा हाल है। मैं चारा देखिए क्या सा लग रहा है, बहुत ही भूत जैसा। देखो कहीं जाने का भी मन नहीं करता है ऐसे मौसम में, धूप इतना होता है, अला सफर से कपड़े लेते पहनने तो गर्मी ही लगेगी, क्या फायदा है ना, सही चीज है। चलिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग तो मेरी हो गई, ब्रश वगैरह कर लिया मैंने, मुंह धो लिया, पहले उठी झाड़ू झाड़ू लगाई हूँ, जाती हूँ देखती हूँ क्या खाऊंगी पीऊँगी। अपना खाने पीने रात का सब्जी और चावल भी रखा है, अभी खाने का रखा तो है, बनाना तो नहीं पड़ेगा वैसे फ़िलहाल में। मैं थोड़ा सा नाश्ता नुश्ता कुछ देखती हूँ, ब्रेड या दूध वूध ले आती हूँ, थोड़ा नाश्ता कर लूँगी, डायरेक्ट खाना कहाँ खा पाऊँगी। चेहरा देखिए कितना भूखा लग रहा है मेरा, जैसे लग रहा पता नहीं क्या हूँ मैं, रहा क्यों सोचिए अजीब लग रहा, मुझे खुद अजीब मैं दिख रहा हूँ एकदम अजीब सा ना। खैर चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो तो उन्हीं के लिए था जिन्होंने कमेंट किया था, ठीक है फ्रेंड, अच्छा को हो गया तो अच्छा ही लगेगा, है कि नहीं, कभी किसी को बुरा नहीं। और मैंने देखा हमारे कमेंट के नीचे रिप्लाई भी दिया गया है, थैंक यू सो मच सिस्टर। देखिए जिन लोगों को पता है वो अच्छा ही रिप्लाई करते हैं, है कि नहीं, और जो लोग बुरे होते हैं उनका तो बुरे लोगों का काम ही होता बुरा करना, तो इसलिए उनसे तो मुँह ही नहीं लगे तो ही ठीक है, तो इसलिए छोड़िए। खैर ज़्यादा मुँह लगना भी बेकार है, सेहत के लिए हानिकारक है, कहने का मतलब है कि नहीं, फालतू लोग कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ अपने पे ही पड़ता है, तो इसलिए कीचड़ में पत्थर ना मारो, जो चीज़ है उसे में खुश रहो। आँखें जो सूज गई ना, अजीब लग रही है। चलिए सभी को बाय बाय, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ। जो हमारे चैनल पर नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दें। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है rappriya7270, ताकि फॉलो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा, प्यारा आशीर्वाद दीजिए। चलिए सभी को बाय बाय, फिर मिलते हैं अपडेट के साथ। अभी लेकिन जाऊँगी डिस्पेंसरी अपना रिपोर्ट वगैरह लाने, ब्लड टेस्ट का, लेकिन एक ब्लड टेस्ट हमारा हॉस्पिटल वहाँ तो नहीं गई, लेकिन अभी यहाँ पे जाऊँगी। चलिए सही।